点钟。आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डीएमएफटी की जानकारी, अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का दिया निर्देश। खनन क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में मूलभूत सुविधाएं करे बहाल, जिशान कमर उपायुक्त। यूसी जमा करने पर जताई नाराजगी, लातेहार। उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के खनन क्षेत्र बालूमा, चंदवा एवं महुआ डांड में डीएमएफटी से संचालित योजनाओं की समीक्षा की एवं सभी अपूर्ण योजनाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खनन क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायत एवं गांव को मूलभूत सुविधाओं से विकसित करें। बैठक में उपायुक्त श्री कमर ने डीएमएफटी के तहत मिली राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की एवं अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवाने का निर्देश दिया एवं स्पष्ट कहा कि यूसी जमा नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उपायुक्त श्री कमर ने लंबित पड़े सभी शौचालय निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त श्री कमर ने डीएमएफटी बालूमा, चंदवा एवं महुआडांड में दिए गए एम्बुलेंस का संचालन सही तरीके से करवाने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया एवं इस दौरान उन्होंने खनन क्षेत्र में पेयजल सुविधा विकसित करने एवं समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं बहाल करने को लेकर भी वीडियो को अन्य कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर उप विकास आयुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अमित कुमार, जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रीति सिन्हा समेत कई समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। लातेहार से राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट।